वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द एके डिप्लोमा क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, ये जो है यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट, उसके पहले देखे थे बग्स कंपाउंड, सारा का सारा मतलब इसके पीछे वाला सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि अगला जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सीमेंट दो टाइप से बनाया जाता है। सीमेंट दो टाइप से बनाया जाता है, पहला एक है ड्राई ड्राई प्रोसेस और एक होता है वेट प्रोसेस। ठीक है, एक होता है ड्राई प्रोसेस, ठीक है, और एक होता है वेट प्रोसेस, दूसरा क्या होता है वेट प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस से सीमेंट को कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए सीमेंट बनाने के लिए। जैसे एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं कि सीमेंट किस प्रकार बनाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, उसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, पीस देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको मिक्स कर देते हैं सर्टेन प्रोपोर्शन में, उसके बाद उसको क्लीन में डाल देते हैं, भट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, उसमें टेम्परेचर देते हैं 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, तो टेम्परेचर देने के कारण उसमें हीट जनरेट होता है, हीट जनरेट होने के कारण जो फ्यूजेस होने लगता है उसमें। ठीक है, फ्यूजेस फ्यूजेस के कारण उसमें जो सीमेंट का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से जुड़कर छोटा छोटा पार्टिकल्स, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल्स बना लेता है जिसे बोला जाता है क्लिंकर। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा ये सीमेंट का पार्टिकल्स है, ये जो है वो फ्यूज हीट जनरेट के कारण फ्यूजेस होने के कारण बनता है क्लिंकर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि मिल में डालकर ग्रिंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को सीमेंट और उसमें जो 2 से 3% जिप्सम ऐड कर देते हैं, जिससे जिससे कि उसका सेटिंग टाइम फास्ट नहीं हो, कम से कम 30 मिनट का हो जाए। ठीक है, तो 2 से 3% जिप्सम ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो तो हम बताए थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब है ना कि सीमेंट बनाने का दो प्रोसेस है, एक होता है ड्राई प्रोसेस, दूसरा होता है वेट प्रोसेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, ड्राई प्रोसेस वेट प्रोसेस, इसके फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फ्लो चार्ट से भी हम लोग समझेंगे कि कैसे ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनता है, कैसे वेट प्रोसेस से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहला है ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इस रॉ मटेरियल्स जो होता है, जो भी रॉ मटेरियल्स होता है, उसको हम लोग पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसमें थोड़ा उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, विथ एडिंग ए सम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ड्राई प्रोसेस ध्यान से समझिएगा, ग्राइंड करने के बाद उसको मिक्स करते हैं विथ एडिंग ए सम अमाउंट ऑफ वाटर, करने का मतलब कि कुछ अमाउंट में वाटर को मिक्स करके उसमें डालकर मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको हम लोग क्लीन में भट्टी में डाल देते हैं, KILN। ठीक है, KILN क्लीन, क्लीन क्लीन मतलब होता है भट्टी, भट्टी में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने के कारण उसमें हीट जनरेट होता है, फ्यूजेस होने लगता है, जिससे उसमें जो सीमेंट का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से जुड़कर क्लिंकर्स बना लेता है। क्लिंकर्स आपको दिख रहा होगा, तो क्लिंकर्स को हम लोग फिर उसके बाद हम लोग मिल में जाकर पिसवा ग्रिंड कर लेते हैं। ठीक है, उससे हम लोग को सीमेंट और उसमें 2 से 3% जिप्सम ऐड करके मिल में पीस देते हैं। ठीक है, क्लिंकर और 2 से 3% जिप्सम को ऐड करके तब तो हम लोग को सीमेंट मिल जाता है। ठीक है, और ये होता है, ये हुआ ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस में हम लोग थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं। ठीक है, वेट प्रोसेस में वही वही चीज है, रॉ मटेरियल्स जो भी है, कैलकेरियस मटेरियल, एग्रीलेसियस मटेरियल, दोनों को ग्रीन कर देते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं विथ एडिंग ए हाई अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, थोड़ा ज्यादा मात्रा में, किसके कंपेयर में, तो ड्राई प्रोसेस के कंपेयर में हाई अमाउंट ऑफ वाटर डालते हैं, जिससे कि ये स्लरी बना लेता है, स्लरी, SLURY, स्लरी। ठीक है, ये स्लरी बना लेता है, स्लरी एक गाढ़ा घोल रहता है, गाढ़ा घोल रहता है। ठीक है, सीमेंट का, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिर से क्लीन में डाल देते हैं, भट्टी में डाल देते हैं, आपको भट्टी दिख रहा होगा। ठीक है, इसी में डाल देते हैं, इसमें जो है वो मतलब कि देखिए ये तो स्लरी है, ड्राई प्रोसेस में क्या है कि उसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा ईंधन, ज्यादा कोयला की जरूरत नहीं होता है, ज्यादा ईंधन की जरूरत नहीं होता है। लेकिन स्लरी में
ज्यादा जरूरत होगा। क्यों जरूरत होगा? क्योंकि देखिए स्लरी है, ये गाढ़ा घोल है, इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर हाई है। तो सबसे पहले वो भट्टी में जब हम लोग डालेंगे तो वाटर है सबसे पहले इवेपोरेट होगा। सबसे पहले क्या होगा कि इसमें से वाटर इवेपोरेट होगा, तब जाकर ये उसमें क्या बोलते हैं क्लिंकर्स बनाएगा, क्लिंकर्स बनेगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा ईंधन की जरूरत होगा, ज्यादा जो कि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। और देखिए ड्राई प्रोसेस जो है इकोनॉमिकल है, उसमें बहुत ही कम एक क्वांटिटी में वाटर डाला जाता है, और वेट प्रोसेस में अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा सबसे पहले वाटर को इवेपोरेट करेगा, तब जाकर ना क्लिंकर बनाएगा, ठीक है। तो वेट प्रोसेस में स्लरी बनाता है, इसको हम लोग क्लीन में डाल देते हैं, 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्लिंकर बनता है, क्लिंकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको 2 से 3% जिप्सम के साथ ऐड करके उसको फिर से मिल बॉल मिल में पिसवा देते हैं, जिससे हम लोग को मिल जाता है सीमेंट, ठीक है। तो अब जो भी बोले उसको लिखवा दे रहे हैं, अच्छे से फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं कि ड्राई प्रोसेस क्या है, ठीक है। ड्राई प्रोसेस जो भी हम बताएं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ के समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ड्राई प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस क्ले एंड लाइम आर ग्राउंड टू फाइन पाउडर, ठीक है, सेपरेटली एंड दे आर मिक्स्ड, ठीक है। इस प्रोसेस में, कहने का मतलब कि ड्राई प्रोसेस में लाइम और क्ले, लाइम और क्ले, लाइम कौन सा मटेरियल है? तो लाइम है कैल्केरियस मटेरियल और क्ले है आर्जिलेसियस मटेरियल। क्ले में हम बताए थे कि क्ले में सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है, इसमें मतलब प्रेजेंट रहता है। तो देखिए इस मेथड में, इस प्रोसेस में क्ले और लाइम को फाइन पाउडर के रूप में पीस देते हैं, मतलब फाइन पाउडर के रूप में पीस देते हैं, किसको? क्ले और लाइम को, ठीक है, आर्जिलेसियस और कैल्केरियस मटेरियल को, ठीक है, सेपरेटली एंड दे आर मिक्स्ड। उसके बाद अलग अलग पीसते हैं, ठीक है। यार कहने का मतलब कि लाइम को अलग पीसा जाता है और क्ले में जो भी मटेरियल है उसको अलग पीसा जाता है, ठीक है। दोनों को फिर उसके बाद मिक्स किया जाता है, ठीक है, एंड दे आर मिक्स्ड, उसके बाद मिक्स किया जाता है। आगे देखिए, वाटर इज एडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी। हम अभी बताएं कि ड्राई प्रोसेस में वाटर जो ऐड किया जाता है मिक्स करने के बाद, वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और वेट प्रोसेस में हाई क्वांटिटी में डालते हैं, ठीक है। तो वाटर इसमें ऐड किया जाता है स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में, एंड देन प्लेस्ड प्लेस्ड या वहां पर कह सकते हैं फेड, ठीक है, इन टू ए रोटरी क्लीन, ठीक है। वाटर को ऐड करने के बाद हम लोग मतलब किसमें वाटर को ऐड किए, वो मिक्स जो हम लोग किए सर्टेन प्रोपोर्शन में, ठीक है, उसमें हम लोग वाटर को ऐड किए। ऐड करने के बाद उसको हम लोग रोटरी क्लीन करने के मतलब कि भट्टी भट्टी में डाल देते हैं, जो भी वाटर में मिक्स किए, ठीक है, वाटर उसमें मिक्स किए ना, उसके बाद जो भी बना उसको हम लोग रोटरी क्लीन में डाल देते हैं, भट्टी में डाल देते हैं। आपको भट्टी दिख रहा होगा, इसी में हम लोग डाल देते हैं। आगे देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, ठीक है, इन ए रोटरी क्लीन, ठीक है। उसके बाद भट्टी में डालने के बाद, रोटरी क्लीन में, क्लीन मतलब भट्टी होता है, ठीक है, रोटरी क्लीन में डालने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम बहुत बार बोल चुके हैं, उसके अंदर हीट जनरेट होता है डालने के बाद, ठीक है। हीट हम लोग जब देते हैं, जो 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस जब उसमें हीट देते हैं, तो जो सीमेंट का जो पार्टिकल होता है वो फ्यूजेज होने के कारण एक दूसरे से चिपक कर क्लिंकर्स बना लेता है, ठीक है, इज कॉल्ड क्लिंकर। तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है क्लीन में, भट्टी में कौन सा बनता है? क्लिंकर्स बनता है। क्लिंकर्स क्या होता है? तो क्लिंकर्स आपको दिख रहा होगा, इसे वो क्लिंकर्स कहा जाता है। सीमेंट का ये पार्टिकल्स होता है छोटा छोटा, ठीक है, एक दूसरे से जुड़कर बना लेता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, क्लिंकर इज कूल्ड, देखिए क्लिंकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, क्यों? देखिए 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग टेम्परेचर देंगे तो समझिए कितना वो हीट उसमें होगा, तो उसको ठंडा होने के लिए इसलिए छोड़ दिया जाता है। एंड देन ग्राउंडेड इन ए मिल, उसके बाद उसको मिल में जाकर उसको बाद ग्रिंड कर दिया जाता है, पीस दिया जाता है। लेकिन लेकिन पीसते हैं क्या, उसके लिए पीसते हैं जिप्सम को ऐड करके। देखिए आगे पढ़िए, ड्यूरिंग ग्रिंडिंग क्लिंकर 2 से 3% जिप्सम इज एडेड, ठीक है,
क्लिंकर को पीसते समय, ठीक है, क्लिंकर को जब बन जाता है उसको हम लोग जब मिल में जाके ग्रीन करवाते हैं तो उसको पीसते समय 2 से 3% जिप्सम को ऐड कर देते हैं। किस लिए कि तो जिप्सम क्या करता है तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इसलिए 2 से 3% जिप्सम को ऐड करके क्लिंकर्स में पीस देते हैं, तब हम लोग को सीमेंट जो है वो ऑब्टेंड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, सीमेंट हम लोग का बन जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ड्राई प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब ड्राई प्रोसेस को फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेट प्रोसेस, ठीक है। तो आइए एक फ्लो चार्ट के जरिए हम लोग समझते हैं कि ड्राई प्रोसेस क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए लाइम कैल्केरियस, कहने का मतलब देखिए लाइम लाइम कौन सा मटेरियल है, कैल्केरियस मटेरियल है, और क्ले कौन सा मटेरियल है, अर्जिलेसियस। क्ले में कौन कौन सा मटेरियल आ जाता है, तो क्ले में आ जाता है सिलिका, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एलुमिना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए लाइम सिलिका, लाइम को क्या करते हैं क्रशिंग करते हैं, और क्ले को क्या करते हैं क्रशिंग करते हैं। क्रशिंग करने का मतलब देखिए जब आप लोग रॉ मटेरियल्स लाएंगे तो उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स है तो जैसे कि चट्टान हो गया था उसको हम लोग लाते हैं, जब पत्थर बड़ा बड़ा पत्थर लाते हैं तो बड़ा साइज में रहता है ना, वैसे ही इसका रॉ मटेरियल जो लाइम का होता है और क्ले का वो बड़ा बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्रश करते हैं, यानी कि छोटा छोटा पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। क्रशिंग मतलब कि तोड़ना, तो छोटा छोटा पार्टिकल्स में दोनों को तोड़ देते हैं। क्रशिंग के बाद क्या करते हैं फाइन ग्राइंडिंग इन मिल्स, और इसको क्ले को भी क्या करते हैं फाइन ग्राइंडिंग इन मिल्स। कहने का मतलब कि जो क्रश किए छोटा सा उसको हम लोग फिर से मिल में जाके उसको एकदम फाइन पाउडर के रूप में पिसवा देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, पीस देते हैं, ठीक है। किसको, लाइम को भी और क्ले को भी, ठीक है। यहाँ तक देखिए ये क्ले क्ले का यहाँ पर फाइन पाउडर हो गया, यहाँ पर लाइम का फाइन पाउडर जब हम लोग उसको ग्रीन करेंगे तो, ठीक है, उस दोनों को पीस दिए। पीसने के बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, दोनों को साथ साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए अब क्या होगा, जो भी इसमें लाइम का जो फाइन पाउडर होगा और क्ले का जो फाइन पाउडर होगा, ठीक है, उसको मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन, दोनों को मिक्स करेंगे करेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक, दोनों को मिक्स करेंगे करेक्ट प्रोपोर्शन में। कहने का मतलब कि जो लाइम का हम बताए थे परसेंटेज कितना होता है 60 से 65%, और सिलिका का होता है 17 से 25%, ठीक है। तो जो भी परसेंट हो जाए होगा उसको एक करेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स कर देंगे, एक कोई भी कंटेनर या कोई भी मतलब किसी में भी मिक्स कर देंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद देखिए प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस, प्री हीटिंग करने का मतलब कि सबसे पहले हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस मतलब कि पहले कुछ कम मात्रा में हीट देंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट 1400 डिग्री सेल्सियस दे दें तो उसका प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है किसका, जो भी इसका रॉ मटेरियल है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे प्री मतलब कि हीट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि पहले हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग 1400 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्री हीटिंग 800 डिग्री सेल्सियस दिए और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा दिए 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1400 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 1400 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग हीट करते हैं तो अंदर हीट जनरेट होता है, फ्यूजेस होने लगता है, जिसके कारण सीमेंट का पार्टिकल एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेता है, तो क्लिंकर्स बना लेता है। क्लिंकर 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 क्या होता है, तो सीमेंट का जो सीमेंट का एक पार्टिकल होता है, ठीक है, आपको क्लिंकर दिख रहा होगा, ये ही क्लिंकर है, सीमेंट का ही पार्टिकल होता है जो जुड़ के बना लेता है क्लिंकर। अब इसके आगे देखिए क्लिंकर ग्राउंडेड इन मिल जिप्सम 2 से 3% एडेड, क्लिंकर को हम लोग मिल में पिसवा ग्रीन कर देते हैं विथ एडिंग ए 2 से 3% जिप्सम, ठीक है, उसमें 2 से 3% जिप्सम को ऐड करके किसमें क्लिंकर में हम लोग उसको ग्रीन कर देते हैं मिल में, ठीक है, मिल में मिल। उसके बाद हम लोग को सीमेंट बन जाता है, उसके बाद सीमेंट को रख लेते हैं, सीमेंट को पैकिंग हो जाता है, बस यही हुआ प्रोसेस ड्राई प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि वेट प्रोसेस क्या है, ठीक है, वेट प्रोसेस वैसे तो हम बता चुके हैं, उसको फिर से लिख के समझा दे रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वेट प्रोसेस से सीमेंट को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, सीमेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि वेट प्रोसेस में क्या होता है, तो पढ़ के समझा दे रहे हैं अच्छे से, उसके बाद आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, इन वेट प्रोसेस क्रस्ड रॉ मटेरियल्स, क्रस्ड रॉ मटेरियल्स कहने का मतलब कि जो भी आर्जिलेसियस और कैल्केरियस मटेरियल का जो हम लोग क्रश किए थे, क्रश करते हैं, ठीक है, उसी को क्रश रॉ मटेरियल्स कह रहे हैं। आर फेड इनटू बॉल मिल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बॉल मिल में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? तो एंड देन वाटर इज एडेड, ठीक है, बॉल मिल में डालकर फाइन पाउडर हम लोग, फाइन पाउडर के लिए बॉल मिल में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, बॉल मिल करने का मतलब कि मिल में, ठीक है, मिल में हम लोग डालते हैं क्रस्ट रॉ मटेरियल्स। जो भी देखिए, रॉ मटेरियल्स हो गया एक कैलकेरियस जिसमें लाइम हो गया, एक होता है एग्रीलेसियस जिसमें सिल्का, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, दोनों को क्रश करेंगे, दोनों के क्रश करने के बाद जो भी क्रशिंग रॉ मटेरियल्स होगा उसको फिर मिल में जाकर ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, ग्राइंड करने का मतलब कि फाइन पाउडर में उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, फाइन पाउडर में पिसवा लेंगे और उसके बाद उसको हम लोग मिक्स करेंगे विथ एडिंग ए वाटर। ठीक है, देखिए वेट प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऐड होता है। ठीक है, इन वेट प्रोसेस हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है, ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर द स्लरी इज ऑब्टेंड फ्रॉम मिक्स। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, जब हम लोग हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर देते हैं उस मिक्सिंग में जो हम लोग मिक्स किए थे, तो उस एक स्लरी बना लेता है। स्लरी कहने का मतलब कि गाढ़ा घोल। ठीक है, देखिए आगे पढ़िए, ड्यू टू वाटर विच इज अबाउट 40%, ठीक है, वाटर देखिए वेट प्रोसेस में 40% के लगभग में हम लोग वाटर डालते हैं। ठीक है, 40% के लगभग में मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू स्लरी। ठीक है, वाटर को ऐड करने के 40% जब हम लोग वाटर ऐड किए तो हम लोग को क्या ऑब्टेंड हुआ? स्लरी। स्लरी कहने का मतलब कि गाढ़ा घोल, सीमेंट का गाढ़ा घोल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि डाल देते हैं क्लीन में, भट्टी में, विथ ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। देखिए आगे पढ़िए, दिस स्लरी इज देन फेड इनटू रोटरी क्लीन। क्या कहें कि जो भी स्लरी बना 40% वाटर ऐड करने के बाद, ठीक है, तो इस स्लरी को रोटरी क्लीन मतलब कि भट्टी में डाल देते हैं। देखिए आपको भट्टी दिख रहा होगा, इसी भट्टी में डाल देते हैं, इस भट्टी में, उसके बाद वेयर इट फॉर्म क्लीन कर। ठीक है, इसके भट्टी में डालने के बाद 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो इसमें क्लिंकर्स बनता है। क्लिंकर्स, क्लिंकर्स हम बता चुके हैं कि सीमेंट का पार्टिकल होता है, ठीक है, जो कि उसमें हीटिंग के कारण फ्यूजेस होने लगता है और सीमेंट का पार्टिकल एक दूसरे से जुड़कर क्लिंकर बना लेता है। देखिए आपको क्लिंकर दिख रहा होगा, इसी को क्लिंकर कहा जाता है, सीमेंट का पार्टिकल से। ठीक है, एट द टेम्परेचर अबाउट 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लिंकर इज कूल्ड। ठीक है, देखिए उतना जब हीट होगा 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस तो वो तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर उसमें होगा, तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। एंड देन ग्राउंडिंग मिल्स, उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको मिल में जाकर ग्रीन कर लेते हैं, पिसवा लेते हैं विथ एडिंग अबाउट 2 से 3% जिप्सम। जिप्सम को 2 से 3% क्लिंकर में डालकर ग्रीन बॉल में, ये मिल में जाकर पिसवा लेते हैं, तब हम लोग को सीमेंट ऑब्टेन हो जाता है। ड्यूरिंग ग्रीनिंग क्लिंकर अबाउट 2 से 3% जिप्सम इज एडेड। हम अभी बताएं, 2 से 3% जिप्सम को ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। जिप्सम क्या करता है कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अगर मतलब कि अगर आप लोग जिप्सम ऐड नहीं करेगा तो बहुत ही ज्यादा जल्दी क्या बोलते हैं उसका सेटिंग टाइम मतलब हो जाएगा, बहुत ही जल्दी वो सेट हो जाएगा। क्यों सेट हो जाएगा? क्योंकि उसमें एक रॉ मटेरियल्स में एक है एलुमिना। एलुमिना क्या करता है कि बहुत ही जल्दी सेट करवा देता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी वो उसके चलते वो हार्ड होने लगता है सीमेंट। ठीक है, जैसे इसी चलते हम लोग 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं और उसके बाद क्लिंकर के साथ 2 से 3% जिप्सम ऐड करते हैं और उसको पीस देते हैं, उसके बाद हम लोग को मिल जाता है सीमेंट। तो
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फ्लो चार्ट के जरिए समझ लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सीमेंट। ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये है वेट प्रोसेस ऑफ सीमेंट का फ्लो चार्ट। ठीक है, जो भी पता है सब वही है। देखिए क्ले और वाटर को मिक्स करके वाशमिल बनाते हैं। वाशमिल जब क्ले और वाटर को जब मिक्स करते हैं, देखिए वाशमिल उसको बोला जाता है। और देखिए लाइम को क्रश किया जाता है, यानी कि लाइम बहुत ही बड़ा बड़ा साइज में होगा तो उसको छोटा छोटा पार्टिकल तोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टोरेज बेसिन कहने का मतलब कि उसके बाद उसको एक जगह पे एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद वेट ग्राइंडिंग मिल टू मेक स्लरी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ग्राइंड जो करेंगे मिल में, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स होगा लाइम का और क्लियर वाटर पे, ठीक है, तो इसका जो भी रॉ मटेरियल्स होगा उसको हम लोग इतना ग्राइंड करेंगे और उसके बाद स्लरी बनाएंगे। इतना अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे जिससे वो उसमें वो स्लरी बन जाए। स्लरी विथ एडिंग अबाउट 40% वाटर। ठीक है, 40% वाटर डाला जाता है स्लरी बनाने के लिए, तो मतलब उसके लगभग में तो 40% वाटर डालेंगे। उसके बाद स्लरी बना देते हैं, स्लरी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाएंगे। जो भी लाइम और क्ले जो होगा उसको करेक्ट प्रोपोर्शन में मिला के स्लरी बनाएंगे। ठीक है, स्लरी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, स्टोरेज अब करेक्ट से। ठीक है, फेड टू रॉटर क्लीन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्लरी बनेगा उसको हम लोग क्लीन भट्टी में डाल देंगे, उसमें 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस से पे गर्म करेंगे। ठीक है, फेड टू रोटरी क्लीन। इसमें रोटरी क्लीन में जो टेम्परेचर हो देंगे वो 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्लिंकर फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद जो उसमें हीट जनरेट होगा जिसके कारण फ्यूजेस होने लगता है, फ्यूजेस के कारण सीमेंट का जो पार्टिकल है एक दूसरे से चिपक कर क्लिंकर बना लेता है। ठीक है, क्लिंकर आपको दिख रहा होगा, क्लिंकर सीमेंट का पार्टिकल्स होता है जो एक दूसरे से जुड़कर बना लेता है। ठीक है, क्लिंकर फॉर्म बॉल मिल, और उस क्लिंकर को बॉल मिल में पिसवा लेते हैं विथ एडिंग अबाउट 2 से 3% जिप्सम। ठीक है, जिप्सम को उसमें क्लिंकर में डाल के 2 से 3% और बॉल मिल पे पिसवा लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। उसके बाद सीमेंट तैयार हो जाता है, उसके बाद पैकिंग कर देते हैं। बस यही प्रोसेस है वेट प्रोसेस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फ्रेंड्स।